सेंटेंस में जो अरेंजमेंट है, देखो मैं जो बात समझाना चाहता हूं दरअसल वो ये है कि सेंटेंस में अगर परमानेंट अरेंजमेंट का अभाव है, स्थाई गतिविधि, अगर सेंटेंस में परमानेंट अरेंजमेंट का अभाव है तो उस सेंटेंस का जो टेंस है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में टेम्पररी अरेंजमेंट का अभाव है, अस्थाई गतिविधि, अगर वाक्य में अस्थाई गतिविधि या टेम्पररी अरेंजमेंट का अभाव है तो ऐसे सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो देखें आप, मैंने आपको कह दिया दिस रोड, ये प्रश्न आपको यहां पूछा जाएगा दिस रोड, और आपको दे दिया खालिस्तान और ब्रैकेट में दे दिया रन। अब कहा आपको भरो, आपने भर दिया दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा, तो गलत हो गया। शुद्ध वाक्य बनेगा दिस रोड रन्स, क्योंकि दिस रोड तो सिंगुलर है इसलिए इसमें एस जोड़ना चाहिए। दिस रोड रन्स फ्रॉम जयपुर टू कोटा इज द करेक्ट सेंटेंस। ये सड़क जयपुर से कोटा जाती है ना कि जा रही है? जा रही है का मतलब तो फ्री हो गया कि आज जा रही है, कल हो सकता है नहीं भी जाए। ये परमानेंट अरेंजमेंट है। उसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि दूसरा सेंटेंस लिखो, ही लिव्स, या आपको मैंने ब्रैकेट जैसे इसमें दे दिया आपको खालिस्तान, ही और दे दिया लिव इन दिल्ली दीज डेज। गौर से देखो, यही रुक जाओ आप, ही और ब्रैकेट में दे दिया लिव इन दिल्ली दीज डेज, इन दिनों वह दिल्ली में रहता है या रह रहा है। यहां पर शब्द आ रहा है दीज डेज। दीज डेज शब्द से आपको यह पता चल जाना चाहिए, दीज डेज अगर आ गया है तो इससे आपको यह पता चल जाना चाहिए कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो परमानेंट नहीं है। इन दिनों ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर किसी